के निर्माण संबंधी चीजें आप बता रहे थे उस वीडियो में। अरे कहो बात यार, राम मंदिर के निर्माण में खून की धारा जिस समय बह रहा था मैं वहीं बैठा था। संजोग से गोली नहीं लगी, संजोग से गोली नहीं लगी, नहीं तो आज बात नहीं होती। आज राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास कर दिया और पारिजात का पुष्प लगा दिया। वो पारिजात का पुष्प गोपाल गोपाल जी के आश्रम में लगा हुआ, वहाँ भी मैंने लगाया और उन्होंने मंदिर में लगाया, तो सारे लोग उसमें इतना गिर गए धरती पर। और क्या मैं बताऊँ दृश्य का वर्णन, मैं क्या करूँ। नहीं, आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि वो निर्माण पहले से बना लिया गया है, उसमें नंबर्स पड़े हैं, उन्हें जोड़ के बनाएंगे, ऐसा कुछ। जो तराशे गए पत्थर हैं उन पे कुछ नंबर्स पड़े हैं। अरे कहिए मत, किस लगन से लोगों ने किया था वो काम जिसका कोई ठिकाना नहीं। नमक और रोटी खा खा करके वहाँ गोड़ते थे जब इंजीनियर लोग लगे थे, 1000 इंजीनियर देश के बारी बारी से आते थे और तराशा पत्थर। आज उसका दिन सफल हो गया। उस मैं 25 वर्षों के बाद लौटा हूँ जब मैं कमजोर हो गया, अयोध्या से नहीं रह सका। दूसरे से सेवा आप क्या लें, अब गोपाल जी को सेवा कर लें। आप अयोध्या में भी रहे हैं? हाँ 25 साल। अच्छा, क्या क्या काम रहा, क्या दिनचर्या रहती थी, क्या काम रहता था वहाँ पर काम? हाँ मतलब क्या करते थे क्या? अरे वही राम मंदिर का अगोरा करते थे और क्या करेंगे। उसी उद्देश्य से घर द्वार परिवार छोड़ के मैं चला गया था, साधुओं की सेवा और राम मंदिर का निर्माण का जब काम लगा तो वहाँ बैठते थे कार्यसेवकपुरम में। और उसके बाद जब मैं थक गया और उसका अब जब यहाँ आ गया तो वहाँ शिलान्यास हो गया, वह काम के लिए मैं बैठा था वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा हो गया। अच्छा तो कब वापस आए आप, कब वापस आए हैं आप? वापस आए कितना दिन हुआ, मुश्किल से 1.5 साल हुए होंगे जब सब काम कंप्लीट हो गया था। जब तय हो गया कि मंदिर निर्माण होगा। हाँ, तब मैं आया। मथुरा कब जा रहे हैं फिर? मथुरा कब जा रहे हैं, मथुरा काशी? अरे मथुरा भी गए आए जैसे आप लोग जाते आते हैं और लोग जाते आते हैं वैसे आए, लेकिन रहा वहीं जब तक काम पूरा ना हुआ। हाँ? नहीं, जैसे एक मुद्दा चलता है कि अयोध्या अयोध्या को मुक्त करा लिया गया है और मथुरा और काशी अभी बाकी हैं, तो उस बारे में आप क्या? दोनों होना चाहिए मुक्त। वो जाके आप देख लें कि ठीक मंदिर के बगल में ही बना दिया गया, दोनों मुक्त होना चाहिए। कैसे होगा? तो हमारी जवानी है नहीं कि मैं वही करने से होगा। अगर मेरी जवानी आपकी तरह होती तो मैं वहाँ काम करता। अच्छा, और मैं यहाँ कुछ और यहाँ काम किया, आज मंदिर बन रहा है। अरे आप जवान हो, आप लोग जाओ वहाँ अयोध्या काशी और वहाँ मथुरा। हाँ, अभी वापसी में दोनों को मुक्त कर। अब तो हम जाने वाले हैं, 85-86 हो गया, अब जाएंगे भी तो कोई बात नहीं, हमारा संकल्प पूरा हो गया। मेरा संकल्प पूरा हो गया। अच्छा, हाँ, अरे बहुत हाथ मिलाओ। अरे क्या बात, हाँ मेरा संकल्प पूरा हो गया। अरे बहुत शुभकामनाएं। अब आप लोगों के हो काशी या मथुरा बाकी है वो आप लोगों के जिम्मे, और नहीं तो कहो मैं भी इसी अवस्था में मैं चलूं फिर। हाँ, मैं फिर सुख नहीं चाहिए, हम करते सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करना चाहिए, इसीलिए आए हो धरती पर। इसको वापस लाना चाहिए, इसको जवानी कहते हैं। अच्छा, हमें तो बताया गया कि जीवन का उद्देश्य थोड़ा पढ़ना पैसे कमाना, और हमें बताया गया कि जीवन का उद्देश्य पढ़ना थोड़ा पैसा कमाना और सही से रहना है। जो मैं कहता हूँ, सभ्यता और संस्कृति को जीवित करके रखो, वही जवानी है। पहले ही तो लाइन मैंने सुना दिया। हाँ। कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके लिए यह तन है मन है और प्राण है, जननी जन्मभूमि
स्वर्ग से महान है। एक वो श्लोक भी है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम ने कुछ बोला ऐसा। वो कहाँ पे वर्णित है वो? अरे में क्या वो सुनो, जीवन में कुछ भी सिद्धांत है तो उतारने की कोशिश करो। हाँ, बस इतनी बात सीख लो, कुछ करके दिखाओ। आज प्रधानमंत्री करके दिखा रहे हैं, देख रहे हो ना, हमारे इतना जल पर रह रहे हैं और नींबू पी रहे हैं। मैं तो नींबू नहीं पीता, मैं जल पर हूँ, 9 दिन मैं रहूँगा। आपको कहाँ से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या खाया है? क्या आपको कैसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या खाया क्या पिया? प्रधानमंत्री अगर देश का झूठ बोलेगा तो सच कौन बोलेगा? इसीलिए पता चलता है। नहीं कैसे? और अखबार से, टीवी से, अखबार तो कभी झूठ बोलने वाला उसका व्यक्तित्व तो नहीं है। कार्य उनका बताता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो है नहीं। ठीक है, चलो हाथ मिला, हाथ मिलाओ। अच्छा बाबा, दूसरी अभी राम मंदिर का झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कार्य करने वाला व्यक्ति तो है। अभी राम मंदिर का निर्माण हो गया है, आप मेरा हो जाएगा, मतलब आप मेरा कहा मानो। हाँ हाँ बता, काशी मथुरा का अयोध्या के तरह निर्माण करके दिखा दो, नहीं तो कहो साथ में भी चलो। मैं बिल्कुल ऐसी बिल्कुल हम ऐसी कोशिश करने वाले हैं। कोई मानता नहीं, गोपाल जी के मकान से मुझे कोई मानता नहीं, काशी और मथुरा से मानता है, देश की सभ्यता और संस्कृति के निर्माण से मानता है। ठीक, तो वापस लौट जाए। आप लोगों को कोई प्रश्न? अच्छा, आप जब बिहार में रहे हैं, आपको बताओ ये लालू के जंगल राज के बारे में कुछ बता सकते हैं? पूछा करो, ये सब नहीं बता। ये सब मैं बाबा जी हूँ। हाँ, जब सभी ये सब ना पूछा। हाँ, और कोई? हाँ, कोई मैं राजनीतिक ये नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, ये सब ना पूछा करो। जानना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, आप कह रहे हैं लोगों को नौकरी नहीं, सभ्यता और संस्कृति बचाना चाहिए, लेकिन ये सब सभ्यता और संस्कृति का बचाव करना चाहिए। हाँ, बस बस यही मूल उद्देश्य। अरे सुन तो लीजिए, अगर वह नहीं हुआ तो धिक्कार है इस जीवन का। अच्छा बाबा, मैं ये कह रहा था। हाँ, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है आज प्रधानमंत्री का, देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बाबा, सभ्यता और संस्कृति को बचाए हुए है वो आदमी। रोजी रोटी नौकरी चाकरी ये कैसे? अरे रोजी रोटी नौकरी चाकरी आपके कर्तव्य से मिलता रहेगा, वो छूटेगा नहीं। हमको जरूरत होगी तो आपके पास जाएंगे ही, हमको अन्न उपजाना है तो खेत में काम करेंगे ही, काम करना सीखो। अच्छा, रोजी और रोटी तो अपने कर्तव्य से है, कर्तव्य का पालन करो, रोजी रोटी पीछे चलेगी। और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपना काम कर रहे बताओ। बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? अच्छा, बिहार पिछड़ा क्यों रह गया ये बता सकते हैं आप? अब ये सब बात मुझसे ना पूछो, एकदम ना पूछो। हाँ, ये सब कौन सी बात पूछे? हाँ, ये सब तो कुछ नहीं पूछो। कौन सी पूछे? कुछ लो, लेकिन हमारे राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर है, इंजीनियर काम कर रहा है, पुल और पुलिया, ओवर ब्रिज और रोड सारे राज्य में भर गया, समझ लो बात। हाँ, पूछो जितना पूछना है। हम पूछ रहे हैं, आप बता ही कहा रहे हैं। अरे तो वो तो मैं बताऊंगा भाई यार, वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं, वो तो मैं वो दिल के अंदर दिल में ही है, वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं, पर इतनी बात जरूर कहेंगे कि करके दिखाओ। हाँ, करने वाला बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। और कुछ हिसाब है बोलो तो, और तुम लोगों को हिसाब है कुछ क्या सुन करके? ये सब बस, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के, इतना कर्मठ हो। हमें भी खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ठीक, चलो हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ।
चलो हाथ मिलाओ। वैसे लूट के आया हूं। हाँ चलो बंद करो। ठीक है प्रणाम बाबा जी।